here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do, is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tughlaq Lane narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10 Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohith Vemula's mother, whose cast you were discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohith's mother. This is, and go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohith wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalist. शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया ने क्रांति ला दी है इस देश में। अखबार और टेलीविज़न के नाम पर जिस तरह से लोगों ने रायता फैलाया, जिस तरह से जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, संविधान के खिलाफ टीवी अखबार में बैठे लोगों ने दुष्प्रचार किया आरक्षण के खिलाफ, SC ST OBC के लोग समझ गए हैं और ये शानदार बदलाव है। बाबा साहब ने 100 साल पहले 31 जनवरी को 100 साल हो जाएगा जब मुक नायक उन्होंने अखबार निकाला था। उसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध भारत और अछूत तमाम तरह के अखबार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बाबा साहब मीडिया की ताकत को जानते थे। मान्यवर साहब ने किया, फूले साहब अखबारों में लेख लिखते थे जब अंग्रेज़ों का दौर था, लेकिन इस देश में जाति के नाम पर जो व्यवस्था बनी हुई थी उसमें बिजनेस वैश्य के पास, शिक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय के पास, और इसलिए जो अछूत और शूद्र और छूत थे उनके हिस्से में कोई नहीं था। जब संविधान बना और जब शूद्र अछूत, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, बाबा साहब ने शूद्र को और अछूत को SC ST OBC माइनॉरिटी कहा, और जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो आज वो दौर भी आ गया है जब मीडिया से लोग दो हाथ कर रहे हैं और उनके खेल की पोल खोल रहे हैं। सोचिए कि दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी किस तरह से कर रहे हैं। ये न्यूज़ रूम की यही हकीकत है जो वो कर रहे हैं, कोई अछूता नहीं है। इस देश में जाति और मजहब के अलावा आप किसी चीज़ से किसी को मत आकिए, ये दोनों ज़रूरी है। जब मुसलमान से लड़ना हो तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो दुश्मन है वो हिंदू हो जाते हैं, और जब SC ST OBC माइनॉरिटी से लड़ना हो तो फिर वो जाति व्यवस्था कायम करते हैं। उसी कड़ी में अर्नब गोस्वामी एक बड़ा नाम है, जिसको आप कुणाल कामरा हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कॉमेडी शो करते हैं। उन्होंने उसको जहाज़ में पकड़ लिया अर्नब को, और कुछ सवाल पूछे, जो वीडियो आपने देखा। उस सवाल में अर्नब की बोली नहीं खुली और वो चुप रहें। लोग दुहाई दे रहे हैं कि इस तरह से प्राइवेट यात्रा के दौरान सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। ये वही अर्नब गोस्वामी हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए जब तेजस्वी यादव से इसी तरह के सवाल पूछे थे इसके रिपोर्टर ने। तेजस्वी समझाते रहें कि मेरा निजी दौरा है, मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, ये फ़्लाइट है, दूसरे यात्रियों को परेशानी होगी, और इन लोगों ने उसको नहीं समझा। अब इन पर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, और कस के बेइज्जत किया अर्नब गोस्वामी को, जमकर बेइज्जत किया है। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. Is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tughlaq Lane narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10 Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohith Vemula's mother, whose caste you are discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohith's mother. This is, and go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohith wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that. Do that in your free time, you nationalist. दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी को लोग बेइज्जत कर ही रहे हैं। आज जंतर मंतर पर इंडिया टीवी की महिला रिपोर्टर को भी लोगों ने रिपोर्टिंग, उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको रिपोर्ट करना है, आप जो भी बोलिए हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। उनको बाकायदा उन लोगों ने बैरिकेड किया और उनको कहा कि आपको जिनसे बात करना है कीजिए, हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। सोचिए, यही अगर आप आरएसएस, बीजेपी, मैं तो कांग्रेस के रैली में, मैं तो बीजेपी की रैली में, आरएसएस सवर्णों की सभा में अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, वो सीधे हमलावर होते हैं और मारपीट पे उतारू होते हैं। शुक्रिया बहुजन समाज, जिसके अंदर मानवीयता हमेशा से बरकरार है। आप उनका विरोध कीजिए, उनसे बात मत कीजिए, उनको बोल दीजिए कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, या उनको काउंटर कीजिए। हमला किसी भी तरह से की छेड़खानी से बचिए, उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, नारेबाजी कीजिए, और सबसे अच्छा तरीका अखबार टेलीविज़न का बायकॉट कीजिए। ये लगातार चल रहा है। दूसरे सिर्फ अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी की बेइज्जती नहीं हो रही है, अमित शाह से भी लोगों ने डरना छोड़ दिया। लोग कह रहे थे कि बहुत 56 इंच की छाती है, गृह मंत्री है, जेल में डाल रहे हैं। देखिए किस तरह के है। एक बाबरपुर में रविवार को अमित शाह रैली कर रहे हैं, हरजीत सिंह नाम का एक लड़का जाता है और सीए के खिलाफ नारेबाजी करता है। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। अमित शाह उसको कहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों से किसको बाहर निकालो, वहाँ उनके समर्थक उसकी पिटाई करते हैं। सोचिए, कम से कम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके समर्थक उसकी पिटाई करते हैं, और ये बहादुर लड़का फिर भी अभी मीडिया से बात कर रहा है। तो किस तरह के हालात हो गए, इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जाति कितना अहम है वो बता दूं। साइना जो नेहवाल थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सचिन के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में, जज हो या आर्मी चीफ हो, इस देश में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी है, पूरी दुनिया में जज, आर्मी चीफ, ये सब राजनीतिक पद हासिल नहीं करते हैं। खिलाड़ी एक, लेकिन मैं इसलिए BCCI को ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहता हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जाति से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। इस देश में आप जज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, आर्मी चीफ हो, संवैधानिक पद पर हो, खिलाड़ी हो, जिसको सब प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर का जातिवाद फूट के सामने आ ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को, बिल्ली को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी चाहेगा उसको खाएगा, उसका नैसर्गिक नेचर है। उसी तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अपना नेता बहुजनों को मानना चाहिए, नहीं तो जब भी सवर्ण आपका नेता बनेगा, वो समय आने पर आपको धोखा ही देगा। अगर वो आपका हितैषी है तो वो आपको झंडा उठाए, न कि आपका लीडरशिप ले। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए कि अर्नब गोस्वामी पर आपकी क्या राय है, पत्रकारों पर क्या राय है, अर्नब गोस्वामी पर क्या राय है। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।